अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 13 चल रहा है, ग्रेविटेशन का प्रॉब्लम 68 है। वो कहता है दो स्मॉल स्पेसशिप्स हैं जिनका मास 2000 केजी दोनों का है, सर्कुलर ऑर्बिट में है, आल्टीट्यूड 400 किलोमीटर है। वो कहता है द कमांडर ऑफ वन शिप अराइव द फिक्स पॉइंट 90 सेकेंड एहेड ऑफ पिकार्ड कमांडर ऑफ अदर शिप। अब वो कहता है टाइम पीरियड बताओ टी नॉट और स्पीड शिप की। फिर वो कहता है कि पी पॉइंट के ऊपर आपका जो पिकार्ड है फायर करता है एक इंस्टेंटेनियस ब्लस्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन रिड्यूसिंग द स्पेस, जाहिर है उसकी स्पीड एक्शन का रिएक्शन आएगा। वो कहता है आफ्टर दिस ब्लस्ट जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है वो आपके पास डैश लाइन से जाहिर किया गया है। काइनेटिक एनर्जी बतानी है, पोटेंशियल एनर्जी की बतानी है ब्लस्ट होने के बाद। फिर वो जो न्यू एलिप्टिकल ऑर्बिट बना है उसकी टोटल एनर्जी बतानी है, सेमी मेजर एक्सिस बताना है, टाइम पीरियड बताना है और कितनी देर वो लेगा दूसरा जो इगोर है उससे पी पॉइंट तक पहुंचने के लिए। तो काफी सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो हम उसका बुनियादी टाइम पीरियड देखते हैं। तो हमें दूरी पता है कि भाई आपके पास 400 किलोमीटर की हाइट है, तो हम टोटल सेंटर से दूरी ले लेते हैं 6.77 × 10⁶ आ जाएगा। अब चूंकि सर्कुलर ऑर्बिट में है शुरू में तो हम कहते हैं 2πr/T आ जाएगा, जी एम ओवर आर की ऑर्बिटल वेलोसिटी दोनों को बैलेंस करके टी निकाल लेते हैं। ये तकरीबन 92.3 मिनट में उसका टाइम पीरियड आ जाएगा। वी नॉट देखना हो तो हम कहेंगे इब्तदाई वेलोसिटी में 2πr/T सारी वैल्यूज लग जाएंगी, 7675.8 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड आ जाएगी। अब ब्रस्ट करने के बाद उसकी स्पीड में कमी आती है तो हम कह देते हैं कि भाई अब वो स्पीड अगर v थी तो 0.99, क्योंकि 1% है ना, तो 0.99 v रह जाएगा। तो इस सूरत में जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसमें मास तो वही रहेगा, स्पीड आपके पास के साथ 0.99 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये 5.7810 की 10 जूल आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी देखनी हो तो हम जानते हैं -gm1m2/r², तो हम अर्थ के लिहाज से उसको कंसिडर कर लेते हैं, हमें इसकी दूरी भी पता है अब, तो अब आपके -1.18 × 10⁻¹⁰ जूल आ जाएगा। नए एलिप्टिकल ऑर्बिट में टोटल एनर्जी तो हमें उसकी दोनों एनर्जियां पता है, काइनेटिक भी पता है, पोटेंशियल भी पता है, लेके सॉल्व कर लेंगे -6.02 × 10⁻¹⁰ जूल आ जाएगा। अगर हम सेमी मेजर एक्सिस की बात करें तो हम जानते हैं कि भाई आपके पास टोटल एनर्जी बराबर है -gm1m2/2a, यहाँ से a को क्रॉस कर लेंगे टोटल एनर्जी इधर ले आएंगे तो 6.63 × 10⁶ मीटर आ जाएगा। फिर दोबारा नई सिचुएशन में जो टाइम पीरियड है वो भी सर्कुलर ऑर्बिट के लिहाज से 2πr लेके इसके हम ले लेंगे, सेमी मेजर एक्सिस वाली कंसेप्ट ला लेंगे, तो यहाँ से a3 की वैल्यू हमें पता है वो वैल्यू डाल के सॉल्व कर लेंगे तो तकरीबन 84.46 मिनट आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि पीरियड जो है वो एलिप्टिकल का है, हमें दोनों टाइम पीरियड पता है इब्तदाई भी और बाद वाला भी, तो दोनों को सॉल्व कर लेंगे 5540 में से 5368 माइनस तकरीबन माइनस कर देंगे तो 170 सेकंड आ जाएगा तकरीबन। तो हम कहेंगे कितनी जल्दी, तो 90 सेकंड पहले वो पहुंच रहा था तो 170 में से 90 निकाल देंगे तो 80 का डिफरेंस आएगा, तो हम कहेंगे वो आपके पास वापस पी पॉइंट पे आएगा 80 सेकंड। तो ये जनाब हमारे पास सलूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बच्चे इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।